Hello learners, I am Priyanka Priyadarshi. Today I am going to discuss on the topic recruitment. So let's discuss what is the recruitment. Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating, encouraging them to apply for jobs in an organization. Recruitment ka matlab hota hai ki prospective employees ko search karna और उन्हें स्टिमुलेट करना और इनक्रेज करना कि जो डिफरेंट वैकेंसीज आई है उसमें वो अप्लाई करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में. रिक्रूटमेंट्स के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है. फर्स्ट है प्लान्ड, सेकंड है एंटिसिपेटेड और थर्ड है अनएक्सपेक्टेड. रिक्रूटमेंट के जो नीड्स होते हैं वो तीन तरीके के नीड्स होते हैं. पहला रिक्रूटमेंट नीड जो होता है वो प्लान्ड होता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन पहले ही प्लान कर लेती है कि हमें दिसंबर में, जनवरी में या किसी पर्टिकुलर सेशन में रिक्रूटमेंट करना है. एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट नीड्स वैसा रिक्रूटमेंट नीड्स है जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की जाती है, लेकिन वो एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ हमें ज़रूरत पड़ सकती है इतने एम्प्लॉयज़ की इस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर डिजिग्नेशन के लिए. थर्ड है अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज वैसी होती है जो ना तो प्लान्ड होती है ना ही एंटिसिपेटेड होती है, जैसे कि अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में किसी का डेथ हो जाता है या फिर वो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, तो उस पोजिशन को फील करने के लिए तुरंत से वैकेंसी निकालनी पड़ती है जिसे अनएक्सपेक्टेड कहते हैं. इसके अलावा किसी के लाइफ में अगर कोई हादसा हो जाए तो वो भी अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट के अंदर आता है. अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या होता है रिक्रूटमेंट का. प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ रादर देन सिंगल एक्ट. तो ये सिंगल एक्ट नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होता है या फिर कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होती है. ये लिंक होता है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के बीच में. एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को लाने का प्लान बनाते हैं, वो चाहे प्लान्ड हो या अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो या फिर एंटिसिपेटेड हो. तो ये लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को आने वाले एम्प्लॉयज़ से. इन दोनों के बीच एक कड़ी जोड़ता है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो दोनों के बीच कड़ी जोड़ता है. किन दोनों के बीच? जो ऑर्गेनाइजेशन में है और जो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हैं. पॉजिटिव फंक्शन है. क्यों पॉजिटिव फंक्शन है? क्योंकि हम इसमें कई सारे जॉब वैकेंसीज़ को निकालते हैं और जिससे कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके अंदर ये अवेयरनेस आती है कि हम पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें. तो ये पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करता है. और पॉजिटिव फंक्शन कैसे है? क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लाया जाता है. इट हेल्प्स इन अक्वायरिंग राइट नंबर एंड राइट टाइप ऑफ पर्सन. इसमें ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर और राइट टाइप ऑफ पर्सन को हम अक्वायर करते हैं जो कि पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल हो. नेसेसरी फॉर कंटिन्यूड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का फर्दर फंक्शन कंटिन्यू हो सके. परवेसिव फंक्शन बट वॉल्यूम एंड नेचर वेरीज विद साइज एंड एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. परवेसिव मतलब व्यापक होता है. ये एक व्यापक फंक्शन है. व्यापक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे HR की बात करें, फाइनेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, इसके अलावा लोअर लेवल की, मिडिल लेवल और हायर लेवल की बात करें. हर लेवल पर चारों तरफ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अपना इफ़ेक्ट डालता है. वो चाहे वो डिफरेंट नेचर का हो, डिफरेंट साइज़ का हो, कभी आप 10,000 वैकेंसी निकालते हैं, कभी आप 500 वैकेंसी निकालते हैं, या फिर कभी आप सिर्फ 5 वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन वो परवेसिव फंक्शन है. इससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कोना अछूता नहीं है. अब देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है. इट बिगिंस विद HR डिपार्टमेंट रिसीव्स रिक्विजिशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट. ये स्टार्ट होता है रिक्विजिशन से. HR डिपार्टमेंट जो है वो रिक्विजिशन यानी कि वैकेंसी कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पे खाली है ये वो HR डिपार्टमेंट को नोटिस मिलता है कि आपको रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकालनी है क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन पे इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होने वाली है.
सेकेंड इज लोकेटिंग द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब जो HR डिपार्टमेंट है वो देखेंगे कि अच्छा इस डिपार्टमेंट में इस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ये लोग हमें कहाँ मिलेंगे, क्या वो हमें कैंपस में मिलेंगे या फिर हम जॉब पोर्टल पे डालें या फिर एम्प्लॉयज़ से रेफरेंस के थ्रू रिक्रूट करें. तो वो लोकेट करते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ विद रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद वो आइडेंटिफाई करते हैं जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन द जॉब एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब सर्विसेज. जॉब डिस्क्रिप्शन निकलता है, जॉब स्पेसिफिकेशन बताया जाता है, जिससे कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और पर्टिकुलर जॉब के बारे में सारी जानकारी मिलती है. अगर वो जानकारी उनके स्किल्स से उनकी एबिलिटीज से मैच करता है तो वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. इनकरेजिंग आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट डिफरेंट जॉब साइट्स पे, जॉब पोर्टल्स पे रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकलती है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले कि ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजिशन पे इस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, ताकि वो अप्लाई कर सके. इसके अलावा जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर डिजिग्नेशन से मैच नहीं करती है वो ना भरे फॉर्म, ये जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है. इवेलुएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. और इसके बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसका इवेलुएशन होता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरीके से हमारा जो हमारी जो नीड है क्या इस तरीके से फुलफ़िल हो सकती है, हो जाएगी, क्या हमें इतने नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो हमारे पर्टिकुलर डिजिग्नेशन में काम करने के लायक हों. अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, या फिर अगर उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स आती है तो वो उसको इवेलुएशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं. अब हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है. दो तरह के सोर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो सोर्सेस ऑफ मैनेजरियल रिक्रूटमेंट में सबसे पहले होता है प्रमोशंस. ये इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है तो उसको इंटरनल सोर्स कहेंगे. रिटायरमेंट अगर हो जाती है किसी एम्प्लॉय की तो वहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाती है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हैं. जो रिटायर्ड लोग हैं उनको बुला करके रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी उसको उस पोजीशन पे लाते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद किसी पोजीशन पे कोई वैकेंसी खाली होती है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए. फॉर्मर एम्प्लॉयज़, कोई एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, अभी वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है किसी बड़े पोजीशन पे, और आपको एक स्किल वेल ट्रेंड एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो आप उसको अप्रोच करते हैं. ये भी सोर्स है इंटरनल रिक्रूटमेंट का. इसके अलावा ट्रांसफ़र्स के थ्रू, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है वो किसी, मान लीजिए एक बैंक है वहाँ छोटे जगह पे कोई एम्प्लॉई है वो काम कर रहा है और किसी बड़े शहर में एक स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जिसके जैसे ट्रेनिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड कराई जाए तो भी वो उस पोजीशन को संभाल लेंगे. तो आप क्या कर सकते हो, उनका ट्रांसफ़र कर सकते हो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक अगर वो स्किलफुल हैं. इंटरनल एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी आप वैकेंसी को फुलफ़िल कर सकते हो कि इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट कर दिए कि इस डिजिग्नेशन पे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के इस स्किल के एम्प्लॉयज़ चाहिए. इस तरह से इंटरनल एडवर्टीज़मेंट के थ्रू सोर्स हो सकता है रिक्रूटमेंट का. जॉब पोस्टिंग, जॉब पोस्ट करते हो आप अपने साइट्स पे, उसके थ्रू इंटरनल रिसोर्स, इंटरनल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ आपको वहाँ मिल सकते हैं. एक्सटर्नल सोर्स में प्रेस एडवर्टीज़मेंट होता है, आप प्रेस में, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में एडवर्टीज़मेंट डालते हो. उसके अलावा कैंपस इंटरव्यूज़ लेते हो, वहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हो. प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जिसको आप आउटसोर्स करते हो, तो इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, कि आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खुद नहीं करके किसी एजेंसी को मनी दे देते हो और वो आपके बदले में सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फुलफ़िल करके आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कराते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक्सचेंज के थ्रू भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कम्प्लीट होता है. एम्प्लॉय एक्सचेंज हो जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें वहाँ से वहाँ
उनका इंटरनली एक एक्सटेंशन होता है, वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होता है। आप जॉब पोर्टल पे या फिर एडवर्टीजमेंट डालोगे किसी भी सोशल साइट्स पे कि कल परसों या किसी भी पर्टिकुलर डेट पे वॉक इन इंटरव्यू है, तो लोग अप्लाई करते हैं, आते हैं, और कोई ज़्यादा भारी भरकम प्रोसेस नहीं होता है, रिटन एग्जामिनेशन ये सब का डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं और आप सेलेक्ट कर लेते हो। ई रिक्रूटमेंट जो भी आप इंटरनेट के थ्रू, सोशल साइट्स के थ्रू, इंटरनल ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज निकालते हो वो होता है ई रिक्रूटमेंट। उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन्स के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वो आ जाते हैं। उसमें होता है कि पहले एप्लीकेशन ब्लैंक होता है, आप एप्लीकेशन भरते हो, फॉर्म सबमिट करते हो, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आप रिटन एग्जामिनेशन देते हो, आपका इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और लास्टली आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। बेनिफिट्स क्या हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के? सबसे पहला बेनिफिट ये तो है, ये है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हम इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमें किसी हायर लेवल पे अगर कोई वैकेंसी खाली है तो हमें ही, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही ऊँचे पोस्ट पर पोस्टिंग दी जाती है, उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। उसके अलावा कॉस्ट इज सेव्ड एज देर इज़ नो नीड टू गिव एडवर्टीजमेंट्स अबाउट द वैकेंसी। थर्ड है, इट बिल्ड्स लॉयल्टी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। लॉयल हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो काफ़ी समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहें और जितने बेनिफिट्स हैं वो अचीव करें। फोर्थ इज ट्रेनिंग कॉस्ट इज सेव्ड एज एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी नो अबाउट द नेचर ऑफ जॉब टू बी परफॉर्म्ड। अगर आप इंटरनल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हो तो इसमें उन्हें आपको ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, आप इंडक्शन का प्रोग्राम कराते हो, आप सबसे इंट्रोड्यूस कराते हो, इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उससे गेट अलॉन्ग होने में एम्प्लॉयज़ को टाइम लग जाता है, एथिकल मॉरल वैल्यूज़ को जानने में समय लग जाता है। तो आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को लेते हो तो ये सारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में वो नहीं करना पड़ता। इट इज़ रिलायबल एंड ईजी प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है कि आपके पास बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई ऑनेस्ट है, लॉयल है, वो मिल रहा है, तो ईजीली आप उसको किसी पोजिशन पे यहाँ से वहाँ डाल सकते हो। कोई भारी भरकम प्रोसेस नहीं है कि रिटन एग्जामिनेशन लो, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, फॉर्म सबमिट करवाओ, पैसे कलेक्ट करो, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत ही बेहतर होता है इन सारी वजहों से। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, किसी भी चीज़ में कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रोज मैंने बता दिया, आप कॉन्स बताती हूँ कि यंग पीपल विथ द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव आइडियाज़ डू नॉट गेट द चांस। तो ये सब बहुत बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो 10-20 साल पहले जो एम्प्लॉयज़ जो ज्वाइन किए थे वो एक ट्रेडिशनल तरीके से काम किए जा रहे हैं, आप उसी को प्रमोट करके बड़े लेवल पे बिठा दिए। तो इससे क्या होता है कि जो बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में जो नए टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ हैं उनको चांस नहीं मिलता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ मे नॉट बी एज एफिशिएंट एज बिफोर। तो उसी बात को घुमा फिरा के कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं वो आज के ज़माने के फ्रेश ब्लड हैं, तो उनके काम के तरीके और ट्रेडिशनल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम करने के तरीके में, उनकी एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क आएगा। इट ब्रिंग्स द मोरल डाउन ऑफ एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट गेट प्रमोशन और सेलेक्टेड। कोई एम्प्लॉय है जो 20 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आप उसको वहीं का वहीं छोड़ करके एक नए आदमी को ला के उससे उस पोजिशन पे उसके ऊंचे ओहदे पे बिठाते हो तो उसके अंदर मोरल की कमी आ जाती है कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे ये पोस्ट नहीं मिला, किसी और को बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं। इसके अलावा इट मे लीड्स टू एनकरेजमेंट ऑफ फेवरेटिज्म। अपने ही एम्प्लॉयज़ को आप बढ़ावा दे के बड़े बड़े पोजिशन में पहुँचाते रहोगे तो जो एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ हैं उनको लग सकता है फेवरेटिज्म हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को ही आप चांस दे रहे हो, उससे ज़्यादा टैलेंटेड और टेक्निकली एडवांस्ड लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको चांस नहीं दे रहे हो, तो उनको फील हो सकता है कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हो। इट मे नॉट बी ऑलवेज इन द गुड इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो है ही,
उतनी नॉलेज, वो एफिशिएंसी, वो मैन पावर तो आपके पास है ही, आप उसका बेनिफिट तो ले ही रहे हो। तो अब आप दूसरे को अगर चांस दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ब्लड आएगा, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पे काम करने वाले स्किलफुल एम्प्लॉयज़ आएंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन अछूता रह जाता है। ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज में न्यू टैलेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने लिमिटेशंस बताया इंटरनल का, वही एक्सटर्नल के बेनिफिट्स हो जाते हैं कि नए टैलेंट जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो काफ़ी उत्साहित होकर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। द बेस्ट सेलेक्शन इज़ पॉसिबल एज अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द जॉब। तो जब भी बाहर वैकेंसी निकलती है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, तो उसमें पूरे भारत से लोग अप्लाई करते हैं पोजीशन, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, और कंपटीशन से जो लोग आते हैं वो जेन्युइनली बहुत स्किलफुल होते हैं। इन केस ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। मान लीजिए कि किसी नए टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना है, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो जो मैन पावर आपके पास है वो तो है ही, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी इफ़िशेंट लोग नहीं हैं, तो बेहतर होता है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज का हेल्प लें। लिमिटेशंस क्या होंगे इसके? स्किल्ड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ में स्विच टू जॉब मोर फ्रिक्वेंटली। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि आप मार्केट से फ्रेश ब्लड तो लेके आते हो, पर वो अभी उम्र में भी कम है, उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, उनमें नए टैलेंट भी हैं, स्किलफुल भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, वो कॉम्पिटिशन से आए हैं, तो हर लेवल से वो बहुत बेहतरीन होते हैं, तो वो भी तो चाहेंगे कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है तो हम अच्छे से अच्छे जगह पे जाएं। तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको थोड़ी सी भी कहीं भी अगर ड्रॉबैक नज़र आए तो वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ स्विच करें, बहुत फ्रिक्वेंटली वो जॉब चेंज करें, क्योंकि न्यू कमर्स हैं, उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो वो उनका बहुत स्विचिंग नेचर होता है, और कुछ सालों बाद जाके वो एडजस्ट होते हैं, वो अपने आप को भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, कैंपस से निकलते और किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, तो उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो किस जगह के लिए, किस तरह के काम के लिए सूटेबल हैं। तो ये सारा समय चला जाता है जॉब स्विचिंग में। इट गिव्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? वो इसलिए क्योंकि नए नए टैलेंट जब आते हैं तो उनमें लगता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे पोजिशंस पे वो क्योंकि स्किलफुल है, तो उन्हीं लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर हम उनसे कम हैं। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। ये सब लोगों में नहीं होती, पर ये ऐसा भी पाया गया है। इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एज टू गिवन थ्रू प्रेस द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू कैंडिडेट्स। तो जैसा कि मैंने बेनिफिट्स बताया इंटरनल सोर्सेज का, तो एक्सटर्नल का वही लिमिटेशन हो जाएगा कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, इंडक्शन प्रोग्राम प्रोवाइड कराओ, कई सारी चीज़ों से उनको गेट थ्रू कराओ, तो इन सारी चीज़ों में एफर्ट्स, मनी, सब कुछ लगता है, इसलिए ये हर समय बेनिफिशियल नहीं होता। ये रिक्रूटमेंट का पिरामिड है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि कितनी वैकेंसीज, कितने लीड्स जनरेट करने हैं कि कितने हायर्स हो सके। तो मान लीजिए कि आपने वैकेंसी निकाली और 1200 लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं, सपोज़ करिए 1200 लोग अप्लाई करते हैं, तो 1200 लीड जनरेट हुआ। उसके अलावा जो कैंडिडेट हैं वो इनवाइट किए जाते हैं 200 में उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन दिया, मान लीजिए सेलेक्ट होते हैं 150 में से ऑफर्स मिलता है 100 को, और 100 के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस में कुछ अगर कमी रह गई तो सिर्फ 50 लोग ही न्यू हायर्स हो पाते हैं। तो इस तरीके से ये रेशियो बताया गया है इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, इसको कहते हैं रिक्रूटिंग इल्ड पिरामिड, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो फील फ्री टू आस्क मी, एंड यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। सो स्टे ट्यून मी फॉर फर्दर लेक्चर्स। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।